फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्रिप्टो डिस्कशन यूट्यूब चैनल मून क्रिप्टो गर्ल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी टेक ऑन बिटकॉइन, डीफाई हिट $1 बिलियन इन क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट, इथेरियम बिकम टॉप ऑफचेन डेस्टिनेशन एंड ब्लूमबर्ग एनालिस्ट प्रिडिक्ट $20K बिटकॉइन दिस ईयर एंड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो लेट्स बिगिन। अगर हम बिटकॉइन प्राइस की बात करें, देन बिटकॉइन का प्राइस अभी नियर $9,700 चल रहा है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बिटकॉइन की मार्केट ग्रीन के अंदर चल रही है, बट दिस टाइम जो मार्केट है वो रेड के अंदर चल रही है, बिकॉज हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक मेजर डंप देखने को मिला था एंड अभी बिटकॉइन का प्राइस नियर $9,700 तक आ गया है। एंड अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें, देन बिटकॉइन की डोमिनेंस नियर 65% है। एंड अगर मार्केट की बात करें, देन मोस्ट ऑफ द मार्केट आपको रेड के अंदर नजर आ रही होगी। एंड अगर हम बिटकॉइन चार्ट की बात करें, देन यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पर हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जहाँ से बिटकॉइन ने अराउंड 28th of May ब्रेकआउट लिया था। एंड अगर हम राइजिंग वेज की बात करें, देन मार्च 2020 से एक राइजिंग वेज भी फॉर्म हो रहा है एंड अभी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस को काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है। एंड अगर हम इस पीच लाइन की बात करें, देन इस पीच लाइन के ऊपर अभी तक प्राइस नहीं गया है। एंड ये चीज आपको वीकली चार्ट के अंदर और भी ज्यादा क्लियरली दिख रही होगी कि जो प्राइस की वीकली क्लोजिंग है वो कभी भी इस पीच लाइन के ऊपर नहीं हुई है। एंड वीकली चार्ट की बात करें, देन यहाँ पर एक और चार्ट है, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन 2013 से चलती हुई आ रही है एंड अभी जो प्राइस है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। इसका मतलब जो ये ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस बन गई है। एंड अगर हम प्रीवियस की बात करें, देन ये प्रीवियसली प्राइस को काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी एंड स्पेशली फ्रॉम द मार्च 2015 टू 2017 यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिला है। एंड अभी की बात करें, देन मार्च 2020 के अंदर जो प्राइस है वो इस लाइन से नीचे आ गया है। इन केस प्राइस की वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, देन ये बिटकॉइन के प्राइस के लिए काफी बुलिश हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पर हमारा एक और चार्ट है एंड यहाँ पर हमारी 3 हालविंग्स आपको ब्लू के अंदर नजर आ रही होगी। फ्रॉम द फर्स्ट हालविंग यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जिसका सिमिलर पैटर्न ही हमें सेकेंड हालविंग के टाइम भी देखने को मिला एंड यही पैटर्न अभी थर्ड हालविंग के टाइम भी बन रहा है। एंड अगर हम इस पैटर्न की बात करें, देन यहाँ से जब भी ब्रेकआउट हुआ है, देन बिटकॉइन के प्राइस ने काफी अच्छा पंप लिया है एंड अभी भी हमारा ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो देयर आर चांसेस कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आए एंड अगेन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें काफी अच्छा पंप देखने को मिले एंड एक बुलिश मूवमेंट नजर आए। एंड अगर हम इस पैटर्न की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अप गया था एंड उसके बाद में हमें प्राइस के अंदर कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी एंड उसके बाद में प्राइस ने अगेन अपवर्ड मूवमेंट शो की थी एंड यहाँ से उसके बाद में प्राइस ने थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट शो करके काफी अच्छा ब्रेकआउट लिया था एंड कुछ सिमिलर प्राइस मूवमेंट अभी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से प्राइस ने अपवर्ड मूव किया, देन हमें प्राइस के अंदर कुछ डंप देखने को मिला एंड अगेन प्राइस ने अपवर्ड मूव करते हुए नीचे डंप लिया एंड अगेन अभी प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है। सो देयर आर चांसेस कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें कुछ डंप देखने को मिले एंड उसके बाद में प्राइस काफी अच्छा बुलिश मूवमेंट शो करे। एंड अगर हम एक और चार्ट की बात करें, देन यहाँ पर हमारा असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है एंड असेंडिंग ट्रायंगल भी बुलिश पैटर्न का साइन होता है। इसका मतलब देयर आर चांसेस कि इसके बाद में हमें कुछ बुल रन देखने को मिले, बट उससे पहले ये भी हो सकता है कि एक स्लाइड डंप बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें देखने को मिले। एंड इन केस ऐसा होता है, देन नियर 8500 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है एंड उससे ऊपर अगर हम देखें, देन 9300 के अराउंड भी काफी अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। एंड अगर हम इस चार्ट की बात करें, जहां पर हमें RSI भी शो हो रही है, देन जो ये RSI है, ये हिडन बुलिश साइन दिखा रही है। इसका मतलब कि हो सकता है बिटकॉइन प्राइस के अंदर यहां से हमें पंप देखने को मिले, बट अगेन अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इतना स्टेबल नहीं है। ये हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें कुछ डंप देखने को मिले, जो कि हमें 2 दिन पहले भी देखने को मिला था। जैसे ही हमें लगा था कि प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है, देन एकदम से प्राइस के अंदर काफी ज्यादा डंप भी हमें देखने को मिला था। अगर हम बिटकॉइन की बुलिश प्राइस मूवमेंट की बात करें, देन अभी तक का जो रिटर्न है बिटकॉइन का, वो ईयर टू डेट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रहा है।
इन केस हम इसे गोल्ड स्टॉक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रियल एस्टेट कमोडिटीज या फिर ऑयल से कंपेयर करें देन। एंड अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर भी हैं, सो इन्होंने ये बोला है कि आपको उसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए व्हाट यू लव। एंड अभी तक इन्होंने स्टॉक्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स या फिर ETFs के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज ही डजंट लव दैट। एंड एट द एज ऑफ 9 ही हैज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट्स एंड आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 25 इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट किया। एंड यू नो वॉट, राइट नाउ ही इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, अगर हम ब्लूमबर्ग एनालिस्ट की बात करें देन ही हैज प्रेडिक्टेड द बिटकॉइन प्राइस $20,000 दिस ईयर। सो ये हो सकता है कि इस ईयर बिटकॉइन का प्राइस 20,000 तक भी चला जाए। एंड जैसे कि अभी हमने चार्ट्स के अंदर बात की कि अभी का प्राइस नियर $9,700 चल रहा है। एंड इन केस बिटकॉइन का प्राइस इतना हाई जाता है देन ये नियर 100% का रिटर्न आपको दे देगा। एंड अगर हम डॉलर्स की बात करें कि जो डॉलर्स है क्या वो बेटर है या फिर बिटकॉइन, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉलर्स है वो हर टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होते जा रहे हैं। एंड अगर ऐसे ही डॉलर्स प्रिंट होते रहे देन डॉलर्स की वैल्यू शायद कुछ भी ना बचे। एंड इन केस ऐसा होता है देन ज्यादा से ज्यादा लोग डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की ओर मूव करेंगे जो कि हमें बिटकॉइन बेस्ट ऑप्शन दिखता है। एंड इन केस और भी ज्यादा डॉलर्स प्रिंट होते हैं देन ये चीज हाइपर इन्फ्लेशन भी ला सकती है। एंड अगर हाइपर इन्फ्लेशन आया देन अगेन डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा गिर सकती है। एंड अगर हम COVID-19 सिचुएशन की बात करें देन COVID-19 की सिचुएशन के टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को प्रिंट किया गया है जो कि डॉलर के प्राइस के लिए अच्छा नहीं है। एंड अगर हम बात करें कि अभी तक का जो बिटकॉइन होल्डर्स है उनका क्या सीन चल रहा है देन इस टाइम जो बिटकॉइन होल्डर्स है वो 75% ऑफ द करंट सप्लाई को होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब जो लोग हैं वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एंड जैसे कि अभी आपको रिसेंट आर्टिकल ग्रेस्केल के अंदर भी देखने को मिला था कि जो ग्रेस्केल है वो बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस को एक्यूमुलेट कर रहा है। सो राइट नाउ पीपल आर एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन एंड जो होल्डर्स है वो भी उसे सेल नहीं कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी बिटकॉइन के प्राइस के लिए कहीं ना कहीं बुलिश है। बट अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें देन हो सकता है कि हमें कुछ गिरावट बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म बिटकॉइन काफी ज्यादा बुलिश है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर आपको पता है कि जो इथीरियम है वो काफी ज्यादा अप जा रहा है। एंड इथीरियम का प्राइस अभी हमें पास कुछ डेज के अंदर काफी ज्यादा अप जाते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर जो इथीरियम है वो बिटकॉइन की टॉप ऑफ चेन डेस्टिनेशन भी बन गई है। एंड अगर हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस करें देन 2016 के अंदर जो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी के यूज केसेस थे उनके अकॉर्डिंग जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो पेमेंट के लिए यूज किया जाता था एंड लिक्विड नेटवर्क ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। बट दिस टाइम जो इथीरियम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड वो बिटकॉइन का लार्जेस्ट राइवल भी बन रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम ऑथर कैमिलिया रूसो की बात करें देन जो कैमिलिया रूसो है वो इथीरियम के ऊपर बुक लिख रही है। एंड इन केस लोग इथीरियम के बारे में डिस्कस करेंगे देन वहां पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा एंड यहां से बिटकॉइन मास एडॉप्शन की ओर मूव करेगा। सो ओवरऑल इट्स गुड फॉर क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन। एंड हो सकता है कि ये एक रीजन हो कि जो इथीरियम का प्राइस है वो अभी काफी बुलिश चल रहा है। एंड अगर हम डीफाई के ऊपर भी इसकी बात करें देन जो डीफाई के अंदर अभी तक क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स हैं वो $1 मिलियन को हिट कर गया है। इसका मतलब $1 बिलियन डीफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो ओवरऑल जो इथीरियम की ग्रोथ है वो डीफाई के ऊपर है। एंड इन केस डीफाई के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है देन ये चीज इथीरियम के लिए काफी ज्यादा बुलिश रहेगी। एंड राइट नाउ इथीरियम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा बुलिश है एंड कहीं ना कहीं ये मास एडॉप्शन की ओर भी मूव कर रहा है, बट इन शॉर्ट टर्म हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिले। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure to like this video and also subscribe to this channel. And also comment down below कि क्या आपको लगता है कि अभी बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा सकता है या फिर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें काफी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। That's it for today's video. Stay tuned for more updates. Bye bye. Take care.